हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे पौधे के बारे में जिसके इस्तेमाल से आप पर बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। आपके सफ़ेद बाल फिर से काले हो जाएंगे, चेहरे पर चमक आएगी, शरीर फौलाद जैसा बन जाएगा, कोई बीमारी कमजोरी आपकी तरफ देखेगी भी नहीं। जी हाँ, ऐसा ही एक पौधा है, सदाबहार का पौधा। ये पौधा अगर आपको कहीं मिल जाए तो चुपके से अपने घर में ला करके इसको लगा लीजिए और फिर देखिए कि आपकी बॉडी में कितने चेंजेस होते हैं। आपकी सभी बीमारियों का इकलौता इलाज है ये सदाबहार का पौधा। सदाबहार एक ऐसा पौधा है जो कि साल के 12 महीनों तक खिलता है और हर मौसम में और हर देश में पाया जाता है, इसलिए इसको सदाबहार के नाम से जाना जाता है। इस फूल को नयनतारा, बारहमासी और सदा फूली भी बोलते हैं। इसके फूल सफ़ेद, गुलाबी, फालसाई और जामुनी रंगों में आते हैं। सदाबहार का फूल मंदिरों में भगवान की पूजा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये फूल देखने में इतना ज़्यादा कोमल और सुंदर होता है कि मन को मोह लेता है। वहीं इसके बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं, तो आज मैं आपको इसी पौधे के बहुत सारे फायदे बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। तो चलिए जान लेते हैं सदाबहार के पौधे के क्या क्या फायदे हैं। सदाबहार के पौधे का सबसे पहला फायदा जो कि डायबिटीज के मरीजों के लिए होता है। अगर आपको डायबिटीज यानी मधुमेह की समस्या है तो सदाबहार के फूल की 4 कोमल पत्तियां लेकर के उसको अच्छे से साफ कर लीजिए और सुबह सुबह इन पत्तियों को खूब चबाकर खाइए। इसका रस चूसने से आपको डायबिटीज यानी मधुमेह के रूप में आराम मिलता है। डायबिटीज को दूर करने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं। इसके लिए आप आधे कप गर्म पानी में सदाबहार के 3 ताजे गुलाबी रंग के फूल ले लीजिए और इसको 5 मिनट तक भिगो कर रख दीजिए। उसके बाद फूलों को निकाल दें और ये पानी सुबह सुबह खाली पेट पिए। ये प्रयोग आपको 8 से 10 दिन तक करना है। ये प्रयोग करने से पहले अपनी शुगर की जांच करवा लें और 8 से 10 दिन तक इस पानी को पीने के बाद फिर से अपनी शुगर की जांच करवाएं। आपको उसमें जरूर फर्क महसूस होगा। डायबिटीज को दूर करने के लिए सदाबहार के पौधों के 4 पत्तियों को ले लें, पत्तियों को धो करके उसको साफ कर लें और सुबह सुबह खाली पेट चबा लें और इसके बाद थोड़ा सा पानी पिए। इससे डायबिटीज के रोग में आराम मिलता है। ये प्रयोग आपको कम से कम 3 महीने तक करना है। सदाबहार की पत्तियों का दूसरा फायदा है कि ये दाद, खाज और खुजली में आराम देता है। अगर आपको स्किन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, स्किन इरिटेशन या फिर इचिंग की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप सदाबहार की पत्तियां ले लीजिए। पत्तियों को तोड़ करके उसको अच्छे तरीके से मसल लीजिए या फिर मिक्सी में उसको ग्राइंड कर लीजिए और उसका पेस्ट बना लीजिए। इसके पेस्ट को आप इफेक्टिव एरिया पर दिन में कम से कम 2 बार लगाइए। कुछ ही दिनों में आपको स्किन की सभी प्रॉब्लम्स में आराम आ जाएगा। सदाबहार का पौधा घावों को ठीक करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पुराने जमाने में जो आदिवासी लोग होते थे, वो घावों और फोड़े पुंसियों पर सदाबहार की पत्तियों का रस लगाते थे। सदाबहार की पत्तियों को पीस करके उसका रस निकाल लीजिए और उसको दूध में मिला लीजिए और इस लोशन को आपने अपने घावों पर या फिर फोड़े पुंसियों पर लगाना है। ऐसा करने से आपके घाव और फोड़े पुंसी जल्दी से सूख जाते हैं और उनमें आराम मिलता है। सदाबहार का अगला इस्तेमाल खांसी के लिए किया जाता है। अगर आपको खांसी की समस्या है, काफ़ी पुराने टाइम से आपको खांसी है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है या फिर गले में खराश है, तो इसके लिए आप सदाबहार की पत्तियों का इस्तेमाल करिए। सदाबहार की पत्तियों का रस दिन में 2 बार पीजिए। इससे आपको खांसी, इन्फेक्शन और गले में खराश में आराम आ जाएगा। सदाबहार फूल बवासीर में भी आराम देते हैं। इसके लिए आप कुछ सदाबहार की पत्तियां और फूल ले लीजिए और उनको अच्छे तरीके से साफ करके उसको मसल लीजिए और उसका एक पेस्ट जैसा तैयार कर लीजिए। चाहे तो इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। इस पेस्ट को रोजाना बवासीर के मसलों पर लगाइए। इससे आपको शर्तिया इनमें आराम आ जाएगा और कुछ ही दिनों में बवासीर इससे ठीक हो जाता है। सदाबहार की पत्तियां जहां स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं, वहीं ब्यूटी के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे या फिर पिंपल्स यानी मुहासों की समस्या है, तो इसके लिए सदाबहार की पत्तियों और फूलों को मसल लीजिए और उसका रस निकाल करके अपने मुहासों पर लगाइए। दिन में कम से कम 2 बार इस रस को अपने चेहरे पर लगाइए। इससे आपके मुहासे कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी को ततैया या फिर मधुमक्खी ने डंक मारा हो, तो सदाबहार की पत्तियों का रस लगाने से वो भी ठीक हो जाता है। सदाबहार के फूलों और पत्तियों का सेवन करने से बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी में भी इससे आराम मिलता है। साथ ही इससे दिल को हेल्दी रखने में भी मदद मिलती है। सदाबहार की 5 से 6 पत्तियां रोजाना सुबह खाने से आपके बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते और बालों का कालापन बना रहता है।
यहाँ तक कि सदाबहार की पत्तियां कैंसर प्रतिरोधी होती हैं। इसके फूल और इसकी पत्तियां कैंसर के उपचार में बहुत असरदार होती हैं। ये कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकती हैं और डैमेज हो चुके सेल्स को दोबारा से हेल्दी बनाती हैं। अगर किसी को कैंसर की पहली स्टेज हो तो इन पत्तियों का रस पिलाएं, उसे इस बीमारी के बढ़ने की जो संभावना होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। कैंसर की दूसरी और लास्ट स्टेज पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो रोगी है उसकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, वो थोड़े से ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे सदाबहार के फूलों और पत्तियों के अनगिनत फायदे। अपने इन्हीं फायदों की वजह से ये पौधा एक संजीवनी बूटी बन गया है और हर बीमारी के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा है। आप भी सदाबहार का पौधा आज ही अपने घर में लगाइए और स्वस्थ रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को शेयर करिए। मैं फिर से नई वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।